हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली गर्ग, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड वेब। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फूड वेब क्या होता है और फूड वेब को हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, नेचर में बहुत सारी फूड चेन होती है, ठीक है। अब गाइस, जो फूड चेन होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। ये जो फूड चेन होती है इतनी सारी, इनका एक नेटवर्क होता है और गाइस, इनके नेटवर्क को कहा जाता है फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क होता है डिफरेंट फूड चेन का जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फूड वेब। आप लोगों को पता है बहुत सारी फूड चेन होती है ना। अब गाइस, ऐसा तो नहीं है कि अगर लायन को डियर नहीं मिला खाने को तो लायन मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर लायन को डियर नहीं मिलेगा तो लायन मर जाएगा, वो और कुछ नहीं खा सकता। गाइस, ऐसा नहीं होता। अगर लायन को डियर नहीं मिला तो वो किसी और एनिमल को खा लेगा, रैबिट को खा लेगा, किसी भी एनिमल को खा लेगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो वो मर जाएगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, है ना। तो गाइस, जो डिफरेंट फूड चेन होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इनके नेटवर्क को ही कहा जाता है फूड वेब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फूड वेब की डेफिनेशन क्या होगी। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम व्हिच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज नोन एज फूड वेब। गाइस, जो डिफरेंट फूड चेन होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो शो करती हैं रिलेशनशिप हर एक स्पीशीज का, तो उसी को कहा जाता है फूड वेब, ठीक है। अब गाइस देखिए, ये जो पूरी ये पूरा जो चार्ट है ये है फूड वेब का, ठीक है। गाइस, यहाँ पे फूड वेब नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की फूड चेन है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। आप देख सकते हो, एक जाल बना रही है ये, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे हर एक जो फूड चेन है उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? प्लांट से होगी, क्योंकि प्लांट क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो फूड चेन है, फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? हमेशा प्रोड्यूसर से होती है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फूड चेन प्रेजेंट है और हर एक फूड चेन की जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है? प्लांट से, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे देखिए, प्लांट्स को खाया किसने? रैबिट ने। और रैबिट को खाया किसने? हॉक ने, जो एक बर्ड होती है। तो गाइस, ये हो गई हमारी फर्स्ट फूड चेन, ठीक है। ये फर्स्ट फूड चेन होगी, प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया हॉक ने, ठीक है। देन गाइस, यहाँ पे सेकंड फूड चेन देखिए, प्लांट को खाया माइस ने और माइस को खाया हॉक ने। तो गाइस, ये हो गई हमारी सेकंड फूड चेन, ठीक है। अब थर्ड देखिए, प्लांट को खाया माइस ने, माइस को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया हॉक ने। तो गाइस, ये हो गई हमारी थर्ड फूड चेन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ फूड चेन, गाइस फोर्थ फूड चेन हो जाएगी हमारी ये वाली, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, गाइस ग्रास हॉपर को खाया हॉक ने। तो गाइस, ये हो गई हमारी फोर्थ फूड चेन, ठीक है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट फूड चेन देखिए, प्लांट्स को खाया सीड ईटिंग बर्ड ने और गाइस, देन सीड ईटिंग बर्ड्स को खाया किसने? हॉक ने। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ फूड चेन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने एंड देन फ्रॉग को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया हॉक ने। तो गाइस, ये हो गई हमारी सिक्स्थ फूड चेन। तो इस पूरे फूड वेब में कितनी फूड चेन प्रेजेंट है? सिक्स फूड चेन प्रेजेंट है। और गाइस, ये जो सिक्स फूड चेन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पे हॉक अल्टीमेटली खा रहा है सबको। अब गाइस, ऐसा नहीं होगा कि अगर हॉक को रैबिट नहीं मिला तो हॉक मर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो किसी और एनिमल को खा जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो फूड चेन है आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सिक्स फूड चेन है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्ट होके ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो इनके इंटरकनेक्शन को कहा जाता है फूड वेब, ठीक है। गाइस, इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए।
तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।